Now, next question is fifth. A VCR and TV were bought for rupees 8000 each. दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखिए. VCR एंड टीवी, दो केस है, एक टीवी का और एक VCR का. बॉट फॉर रुपीज 8000 ईच, द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR. And profit of 8% on the TV. Find the gain or loss or loss percent on the whole transaction. दोस्तों इसमें दो आर्टिकल के बारे में बात हो रही है. VCR हम सब जानते हैं, वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग. टीवी मींस टेलीविजन, मतलब एक शॉपकीपर ने दो चीजें बाय करी. दोनों की जो प्राइस है दैट इज 8000, मींस VCR की कॉस्ट प्राइस भी कितनी है 8000 एंड टीवी की कॉस्ट प्राइस भी कितनी है 8000. बट जब वो उसको सेल करने गया, जब कस्टमर आया एंड वो सेल कर रहा था, तब उसे VCR में लॉस हुआ एंड टीवी में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. तो सबसे पहले तो इसमें दो केस हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. एक हम VCR की बात करेंगे और एक तरफ हम टीवी की बात करेंगे. जो जो गिवन है पहले हम वो लिखेंगे. सीपी ऑफ VCR इज 8000 रुपीस, लॉस परसेंटेज इज 4%. जब भी हमें परसेंट में दिया हो लॉस या प्रॉफिट, तो हम उसे अमाउंट के फॉर्म में निकालते हैं, जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी किया. तो हम लॉस इन रुपीस क्या होगा, 4% ऑफ सीपी. 4% मींस 100 ऑफ सीपी इज 8000, क्योंकि अभी हमें लॉस जो दिया है दैट इज इन परसेंटेज. परसेंटेज में दिया है तो कोई फायदा है ही नहीं जब तक हम उसे रुपीस के फॉर्म में नहीं निकालेंगे. दो जीरो कैंसिल, 8 4 32, 320 रुपीस का लॉस हो गया उस शॉपकीपर को. मींस उसने 8000 में VCR लिया बट 320 रुपीस कम में सेल किया. सो सेलिंग प्राइस क्या आएगी, कम आएगी. एसपी ऑफ VCR इज क्या होगा, सीपी माइनस लॉस, राइट. सीपी इज व्हाट, 8000 माइनस लॉस हमारा कितना आ चुका है, 320 रुपीस. इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सो इट विल गिव 7680 रुपीस. ये तो हो गई पूरे VCR की बात. मींस शॉपकीपर को जब VCR सेल करना पड़ा तो ही इज सेलिंग इन 7680 रुपीस. सेम पार्ट हम यहां पर टीवी के लिए करेंगे बट वो चेंज हो जाएगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट हो रहा है. कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन इज अगेन 8000 रुपीस, बट यहां पे उसने क्या किया, प्रॉफिट गेन किया, दैट इज 8%. एंड जब भी परसेंटेज में दिया है तो हम उससे रुपीस में निकालेंगे, प्रॉफिट इन रुपीस. 8% ऑफ सीपी, 8% सीपी कितना है, 8
जीरोस कैंसिल, 8 8 64 मीन्स, देखिए टीवी में उसे फायदा हुआ और वीसीआर में उसे लॉस हुआ. सो द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है एक्चुअली में, है ना, 8000 प्लस 640. सो फाइनली इट इज 8640 रुपीज. ये हमने दोनों के सॉल्व किए, बट स्टिल हमारा क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ है. अभी तो केवल हमने ये वाले स्टेटमेंट को सॉल्व किया कि शॉपकीपर ने दोनों 8000 ईच में बाय किए, एक को 4% लॉस में बेचा, एक को 8% प्रॉफिट में सेल किया. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजेक्शन. दोनों ट्रांजेक्शन पे उसे क्या हुआ, उन्हें भी नहीं पता कि गेन हुआ कि लॉस हुआ, हमें भी नहीं पता कि गेन हुआ कि लॉस हुआ. अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे. ठीक है, यहां तक तो आपने अभी बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर लिया. नाउ सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे दोनों की, सीपी ऑफ टीवी एंड वीसीआर. ऑब्वियस है शॉपकीपर ने कितना अमाउंट लगाया दोनों में, 8000 मीन्स 16000 रुपीज तो उसने स्पेंड किए टीवी एंड वीसीआर पे. नाउ अब वो उसे सेल करने गया, जब वो सेल करने गया तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी एंड वीसीआर निकालेंगे. हमारे पास दोनों सेलिंग प्राइस आ चुकी हैं, कितनी है, एक आई है 7680 एंड एक आई है 8640. इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दैट इज 16320 रुपीस. अब आप कंपेयर करिए खुद अपने कॉमन सेंस से, 16000 रुपीस ही हैज स्पेंड ऑन बाइंग, खरीदने के लिए उसने 16000 रुपीस लगाए, बट ये सब प्रॉफिट लॉस के बावजूद ही इज सेलिंग दिस टू आर्टिकल इन दिस अमाउंट. अमाउंट बड़ा है, एसपी बड़ा है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मींस यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. तो अब आएगा उसका प्रॉफिट ऑन टीवी एंड वीसीआर कितना होगा, प्रॉफिट ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 16,320 माइनस 16,000 मीन्स 320 रुपीज ही हैज अर्नड एज ए प्रॉफिट. इतना सारा कैलकुलेशन के बावजूद ही हैज अर्नड 320 रुपीज एक्स्ट्रा ऑन दैट पर्टिकुलर टू आर्टिकल्स. ठीक है, ये आ गया हमारा प्रॉफिट. बट यहां पर उन्होंने प्रॉफिट भी नहीं कहा, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कहा. तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालेंगे. प्रॉफिट परसेंट, लॉस तो अब है ही नहीं, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100. पहले तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया आपको, अब मैं इसे रब कर रही हूं क्योंकि यहां पर स्पेस कम है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देती हूं. प्रॉफिट आपको पता है कितना है, 320. सीपी आपको पता है दोनों आर्टिकल की 16000 इनटू 100, टू जीरोस कैंसिल, 10 ये कैंसिल, 16 2 32 मीन्स शॉपकीपर ने इतना सब कैलकुलेशन के बावजूद 2% का फायदा लिया. इंस्टेड ऑफ सो मेनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन पर्टिकुलर आर्टिकल्स, इन ऑल ऑन होल ट्रांजेक्शन ही हैज गेन 2% प्रॉफिट और 320 रुपीज एज ए प्रॉफिट. तो स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत अच्छा है और जनरली इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही हैं क्योंकि इनमें होल ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आप इस टाइप के और भी सम्स प्रैक्टिस करें. ये था फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज ड्यूरिंग अ सेल, अ शॉप ऑफर्ड डिस्काउंट ऑफ 10%.
ऑन द मार्क्ड प्राइस. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450 and two shirts marked at ₹850 each. सेल पे बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा. सेल हर दुनिया में हर इंसान को पसंद होती है और स्पेशली मॉमीज को और मैम को तो डेफिनेटली, है ना. जितनी भी फीमेल हैं उनको तो सेल अट्रैक्ट करती है. यहाँ पर भी ये सेल अट्रैक्ट कर रही है कि आप जो भी आर्टिकल लेंगे दे आर प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, 10% ऑन मार्क्ड प्राइस. जो भी आप जीन्स ले रहे हैं, शर्ट ले रहे हैं, तो ऑब्वियस है उन पे कुछ टैग्स होते हैं, टैग्स में कुछ मार्क्ड प्राइस होती है. जो भी वो मार्क्ड प्राइस है उस मार्क्ड प्राइस पे दे आर प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो आपको भी अट्रैक्ट करेगी क्योंकि इसमें आपकी जीन्स की बात है, शर्ट की बात है. सेल चीज ही ऐसी है कि सबको अट्रैक्ट करती है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. एक 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 चीज को हम सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लिख देंगे डिस्काउंट. डिस्काउंट परसेंट जो दिया है दैट इज 10%, ठीक है. नाउ व्हाट वुड यू कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450. तो हम सबसे पहले लिखेंगे मार्क प्राइस. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ मार्क प्राइस MP, ठीक है. मार्क्ड प्राइस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स इज भी जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू 1450 rupees. दूसरा केस जो दिया है मार्क प्राइस को अगेन हम शॉर्ट में लिख सकते हैं मार्क प्राइस ऑफ शर्ट 850 ईच. दो शर्ट की बात है, ये हमने एक शर्ट की लिखी है, तो अब यहां पर क्या होगा, या तो आप दो बार अलग अलग सॉल्व करें या 850 में 2 का मल्टीप्लाई करें. अभी हम उसे आगे करेंगे, पहले हम जीन्स को सॉल्व कर लें. मार्क प्राइस ऑफ जीन्स इज 1450 एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%. तो हम डिस्काउंट इन रुपीज निकालेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं रुपीज के फॉर्म में. दैट इज 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस. जैसे हम प्रॉफिट लॉस सॉल्व करते हैं ऐसे ही डिस्काउंट सॉल्व होगा. 10/100 × 1450. 0 कैंसिल, 10 and 10 कैंसिल, 145 rupees. अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, दैट इज डिस्काउंटेड अमाउंट. हमें कितना देना होगा सेल को या शॉपकीपर को, फाइनली जो देना होगा वह कितना देना होगा. 1450 means mark price minus discount, ठीक है. That is 1450 − 145. ये हम जब माइनस करेंगे 145, माइनस करने के बाद ये आएगा 1305 rupees. ये हो गया हमारा जीन्स का अमाउंट. मीन्स हम जो भी सेल में गए 1450 की जीन्स हमें फाइनली कितने में मिल रही है, 1305 rupees में. तो ऑब्वियस है हम बाय करेंगे क्योंकि इतना अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है. तो आप तो और जिद करेंगे अपने पेरेंट्स से कि पापा हमें दो जीन्स दिला दीजिए, ठीक है. तो ये हो गया. नाउ मार्क प्राइस ऑफ शर्ट. अब हम शर्ट की बात करते हैं. या तो हम इंडिविजुअली एक एक शर्ट को सॉल्व करें या हम एक साथ दो शर्ट को सॉल्व करें. तो ये है मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट. सो मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स कितना हो जाएगा,
850 into 2, 1700 rupees. Now, discount to sabke liye same diya hai sale ne. Discount is 10%. अब हम इस डिस्काउंट को क्या निकालेंगे, अमाउंट के फॉर्म में. डिस्काउंट इन रुपीस इज 10% ऑफ मार्क प्राइस. ठीक है, मार्क प्राइस 10/100 इंटू 1700, क्योंकि हम ये एक साथ दो शर्ट का सॉल्व कर रहे हैं. आप यहां लिख भी सकते हैं डिस्काउंट इन रुपीस ऑन टू शर्ट्स, क्योंकि हमने एक साथ दोनों शर्ट ले ली हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके टोटल मार्क प्राइस निकाल ली है. जीरो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 170 रुपीस का फायदा हो रहा है हमें शर्ट्स में. ठीक है, सो शर्ट के लिए हमें कितना अमाउंट देना पड़ेगा. सो द फाइनल प्राइस मीन्स फाइनल प्राइस ऑफ टू शर्ट्स इस क्या होगा, हमें देना चाहिए था 1700, बट डिस्काउंट देने के बाद हमें मिलेगा ये शर्ट. इसको हम सब ट्रैक कर लेंगे, 1530 रुपीस. नाउ फाइनली कितना अमाउंट देना होगा, फाइनली हमें ये अमाउंट देना होगा और ये अमाउंट देना होगा. सो द फाइनल अमाउंट विच ही नीड टू गिव टू शॉपकीपर इज 1530 + 1305. ऐसे हम प्लस कर लेंगे, 2835 रुपीस. मीन्स जो शर्ट और जीन्स थोड़ी ज़्यादा प्राइस पे थी उस पर डिस्काउंट मिलने के बाद हमें जो पे करना पड़ रहा है वो हमें पे करना पड़ रहा है 2835 रुपीस. तो सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट क्वेश्चन था.